बंगाल में हमें जिस तरह की अराजक स्थिति की सामना करना पड़ रहे हैं, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो। चुनाव होने के पहले बंगाल में पंचायत चुनाव हुई थी, नगरपालिका चुनाव हुई थी, हमें वोट देने का मौका नहीं मिला। जबरदस्ती चुनाव में जीत हासिल किए जाते हैं और उसके बाद पंचायत गठन करने के लिए भी इस तरीके की दहशत बंगाल के रीति रिवाज बन चुके हैं। जिस दिन ये लोकसभा चुनाव हुई थी उस समय भी, उसके पहले भी, ये जो दहशतगर्द ये बंगाल में बिल्कुल उसी तरह ही थी। चुनाव के दिन हो सकते कोई केंद्रीय वाहिनी की जो सेंट्रल फोर्सेस तैनात की चलते कुछ जगह वोट जरूर हुई थी, लेकिन ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि बंगाल में हर जगह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। बंगाल में हमें जिस तरह की अराजक स्थिति की सामना करना पड़ रहे हैं, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो। चुनाव होने के पहले बंगाल में पंचायत चुनाव हुई थी, नगरपालिका चुनाव हुई थी, हमें वोट देने का मौका नहीं मिला। नामांकन भरने भी मुश्किल होने पड़े हमें, और चुनाव के बाद, चुनाव के दिन, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद लूट और लूट, जबरदस्ती चुनाव में जीत हासिल किए जाते हैं और उसके बाद पंचायत गठन करने के लिए भी इस तरीके की दहशत बंगाल के रीति रिवाज बन चुके हैं। और जिस दिन ये लोकसभा चुनाव हुई थी उस समय भी, उसके पहले भी, ये जो दहशतगर्द ये बंगाल में बिल्कुल उसी तरह ही थी। चुनाव के दिन हो सकते कोई केंद्रीय वाहिनी की जो सेंट्रल फोर्सेस तैनात की चलते कुछ जगह वोट जरूर हुई थी, लेकिन ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि बंगाल में हर जगह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। ये नहीं, बंगाल में हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए कि चुनाव के दिन जिस तरीके की हिंसा और दहशतगर्द की माहौल बंगाल में पैदा हुआ था, ये सारे आपका कैमरा के अंदर ही है। अच्छा, चुनाव खत्म होने के बाद इतने सारे सीट जीत हासिल कर चुके हैं, फिर भी दहशतगर्द करने के लिए उनका कोई रोकथाम नहीं दिखते थे। जहां जहां विपक्ष लोगों की कोई नुमाइंदे होते हैं, चाहे पंचायत लेवल पे, ये नगर पालिका लेवल पे, जबरदस्ती उनको पार्टी में शामिल किया जाता, पुलिस से डरा के, धमका के, मार के, पीट के, लालच दिखा के चलते रहते हैं। जहीं कोई बात अगर नहीं सुनते तो उनके मौत की घाट उतार दिया जाते हैं, जैसे कि जलपाईगुड़ी में घटना घटी। हमारे पार्टी के वर्कर पैर में बांधकर उनको जिस तरह बेरहमी से पीटते पीटते उनको हत्या किए गए, ये सारे आपका निगाहों में है। ये बंगाल में कोने कोने में इस तरह की दहशतगर्द की तस्वीर रोजाना हमें आपको सबको मिलता है। तो इस हालात में मुझे लगा कि यहां आके बड़ी बड़ी तो बात करते हैं, ममता बनर्जी की दिल्ली आते ही सद्दी बन जाते हैं और बंगाल जाते आम लोग ही ऊपर दहशतगर्द करना शुरू कर देते हैं। सी इज प्लेइंग सेंट इन दिल्ली, बट एक्चुअली हर पार्टी इज प्लेइंग डेविल इन बंगाल। जब दिल्ली आती है ममता बनर्जी स्वाधी बन जाती है, कलकत्ता उतरते ही बस उनका अपना रूप निकल जाते हैं और इसका गवाह सारे बंगाल की रोज की रोजाना जो घट रहे हैं बंगाल में कोने कोने में, इसमें ये शख्स जाहिर होते हैं।